नमस्कार, किरण की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आपसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ बॉल। आइए देखते हैं चीज़ बॉल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, रेड चिली फ्लेक्स, कॉर्न, ऑरिगेनो, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, दो बड़े चम्मच मैदा, चार उबले हुए आलू, चीज़, ब्रेड क्रम और तलने के लिए तेल। आइए अब चीज़ बॉल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल ले लें। बाउल में हमें आलू डाल देंगे। आलू को मैश कर लें आप अच्छे से। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, आप भी ऐसे मैश कर लें। आप चाहें तो उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डाल लें आप स्वाद अनुसार। ऑरिगेनो ये भी इसमें डाल देंगे। रेड चिली फ्लेक्स ये भी आप डाल दें। काली मिर्च पाउडर, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कॉर्न डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर, इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ से अच्छे से मिला लें इन्हें। हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप भी ऐसे मिक्स कर लें। आइए अब चीज़ बॉल बनाना शुरू करते हैं। इस मिश्रण को हम छोटे बॉल के साइज़ का ले लेंगे। साइज़ देख लें आप छोटा बड़ा। इसको हथेली में ऐसे फैलाएंगे, ऐसे फैला लें हथेली में, और इसके अंदर हम एक चीज़ डाल देंगे। चीज़ को हमने क्यूब में काट लिया, आप भी इसको ऐसे क्यूब में काट लें और इसको इसके अंदर रख के फोल्ड कर देंगे, कवर कर देंगे इसको चारों तरफ से, और इसे हम बॉल की तरह बना लेंगे। ऐसी आप भी बना लें। इसे हम प्लेट में रख देंगे। अगली चीज़ बॉल बनाएंगे। हथेली में दबा लें आप इसको ऐसे, और इसके अंदर चीज़ रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। ऐसी आप सारी चीज़ बॉल तैयार कर लें। अभी लास्ट चीज़ बॉल है, इसको भी हम बना लेंगे। ऐसे इसके अंदर रख के फोल्ड कर लेंगे इसको। सारी चीज़ बॉल को हमने ऐसे ही बना लिया है। चीज़ बॉल बनकर तैयार है हमारी। अब हम इनके लिए मैदा घोलेंगे। एक बाउल ले लेंगे हम, इसमें मैदा डाल देंगे। मैदे में पानी डाल लें आप और गाढ़ा घोल बना लें इसका। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। थोड़ा पानी और डाल लें। मैदे का हमने गाढ़ा घोल बनाना है, पतला नहीं। मैदे को अच्छे से घोल लें ताकि गुठलियाँ ना रहें। मैदे का गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें चीज़ बॉल को डुबाएंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम से कवर करेंगे। चीज़ बॉल ले लें आप। मैदे के घोल में अच्छे से लपेट लें चारों तरफ। अब हम इसको ब्रेड क्रम में कवर कर लेंगे चारों तरफ अच्छे से।
ऐसी आप भी कवर कर लें। इसको हम एक प्लेट में रख देंगे। ऐसी सारी चीज़ बॉल को आप कवर कर लें ब्रेड क्रम में। सारी चीज़ बॉल को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। बस आप एक बात का ध्यान रखें, मैदे का घोल हमारा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इनको 5 से 7 मिनट तक रख देंगे, उसके बाद हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। आइए अब हम चीज़ बॉल को डीप फ्राई करेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। आप भी तेल को अच्छे से गर्म कर लें। चीज़ बॉल को इसमें डाल देंगे एक एक करके। और चीज़ बॉल को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। गैस को हम मीडियम कर देंगे। और बीच बीच में आप इनको हिला लें। चीज़ बॉल हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। गैस को हम कम कर देंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट ले लें आप, उसमें नैपकिन या किचन टॉवल लगा लें और इन बॉल को उसमें निकाल लेंगे। तेल को आप साइड में कर दें। बाकी चीज़ बॉल को भी हम ऐसे ही तल लेंगे। ये भी हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इनको भी निकाल लें आप प्लेट में। तेल को साइड कर लें और इनको भी प्लेट में निकाल लें। अब हमारी चीज़ बॉल बनकर तैयार है, आप भी ऐसी बना लें। अब हम इनको एक प्लेट में लगा लेंगे। अब गर्मा गर्म चीज़ बॉल बनकर तैयार है, इसको खोलकर देख लेंगे हम। आप देख सकते हैं चीज़ इसमें कितनी अच्छी से पिघल चुकी है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण सी रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।